गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल ट्रैवलर पे। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत, एक नया ब्लॉग। तो बहुत सीन ऐसा हुआ कि आज सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का फोन आया, तो कहता मैं करनाल पहुंच गया हूं, तो हम लोगों को जाना है आज कसौली। ऑल ऑफ अ सडन टूर बना, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, मैं तो घर पे आराम से बैठा हुआ था। तो अभी तैयारी होगी अपनी पूरी, बैग पैक, खैर बैग तो हमेशा पैक ही रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कैब आ रही है नीचे 2 मिनट में, यहाँ से निकलते हैं, उसको मिलेंगे पटियाला चौक पे, उसके साथ उसकी गाड़ी में आगे निकलेंगे कसौली के लिए। 2-3 दिन का प्रोग्राम है, 2 का है 3 का है, गॉड नोज, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जी हाँ, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे रस्ते में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। 10 रुपए लेके क्या करेगा मेरे को ये बता। इधर आ गया, आ गया ना, ना खड़ जो खड़ जो खड़ जो, क्या करेगा 10 रुपए का बेटा? आ गया तो बात कर रहा, पीछे से तेरी आवाज नहीं सुना इधर, बता लंगूर भी बना हुआ छुप भी रहा है। सामने आना बेटा, संदीप भाजी थैंक यू, सामने आ बेटा। वी आर बैक ऑन आवर ट्रैक। अगर आपने मेरा लास्ट वाला चैनल देखा होगा, गोवा डायरीज वाला, तो उसमें देखा होगा कि आपको मैंने एयरपोर्ट रोड के बारे में बताया था। सो वी आर बैक ऑन द एयरपोर्ट रोड वंस अगेन, एंड दिस डायरेक्टली विल गो टू टी पॉइंट। फ्रॉम द टी पॉइंट अगर आप राइट टर्न लेंगे तो दिल्ली, लेफ्ट लेंगे तो हम अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे कसौली की तरफ। चंडीगढ़ वाला साहब किताब है ये रूल, तुम चंडीगढ़ ना फॉलो करो क्योंकि मैं कितनी छेती चला लांदा। बस 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 जिथे भाजी स्ट्रिक्ट ना काम ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਐ ਸਿੱਧੇ ਸਭ ਭਾਈ। ये भैया मिले अभी हमें कैब में जिसमें हम बैठे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट। तो इनके साथ बातें करते हैं, रास्ते में चलते हैं और अभी भी आगे एयरपोर्ट रोड आएगी। मैंने आपको बताया भी था कि पिछला जब आपने हमारा व्लॉग देखा होगा जिस पे हम जब दिल्ली गए थे गोवा जाने के लिए, हालांकि गोवा का प्रोग्राम था नहीं, बट दिल्ली जाके गोवा का बाय रोड का प्लान था, बेसिकली गोवा का ही प्रोग्राम था, बाय रोड का था, लेकिन दिल्ली जाके प्रोग्राम सारा चेंज हो गया, तो हम फिर बाय प्लेन गए थे, अगर आपने हमारे पीछे वाला व्लॉग देखा होगा। तो इनिंग भैया को भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, आप डैशबोर्ड पर कैमरा लगा लो, तो ग्रेजुअली आप दिन में जो भी अपना ट्रैवल वगैरह करते हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन चैनल। तो मुझे भी कह रहे थे यार कैमरा बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो आई सजेस्ट इनकी ठीक है भैया अभी कैमरा इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, एक आप डैशबोर्ड पे फ़ोन का स्टैंड लगा के उस पर अपना कैमरा लगा लीजिए, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोज़ फॉर यूट्यूब या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी ये कर सकते हैं। ये क्या वाले भैया मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यूट्यूब लाइव पे आया करो, क्योंकि नॉर्मली लोग लाइव देखना पसंद करते हैं। बोला चल कसौली तो जा रहा हूँ, तो कसौली जाके वहाँ लाइव होंगे, वहाँ आप सबको आए कसौली लाइव दिखाएंगे। हम भैया की बात मान लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। और आप भी अगर हमारे भी इस चैनल पे हमारे ट्रिप को लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको लाइव चैनल लाइव टेलीकास्ट ज़रूर दिखाएंगे। एंजॉय द एयरपोर्ट रोड। सो फाइनली हमें हमारे सह यात्री मिल गए जिनकी बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था, हालांकि मैं नहीं वेट कर रहा था, वो वेट कर रहे थे। वैसे में ट्रैफिक बहुत था, उस वजह से पहुंचने में देर हो गई, उनको 15 मिनट वेट करना पड़ा। ये अब बस अपने यहाँ से क्या कितनी दूर है हिमाचल यहाँ से? हिमाचल तो एंटर कर जाएंगे अनदर 15 मिनट्स। ओके, अगले 15 मिनट में अपन हिमाचल एंटर कर रहे हैं। अभी ये रूट चंडीगढ़ जाती है ना? ये लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, हाँ चंडीगढ़। पंचकुला तो खैर आगे आएगा, पंचकुला के बाद ही आएगा ना, पंचकुला क्रॉस करने के बाद। ठीक है ठीक है, तो द मोमेंट विल एंटर हिमाचल अपनी ड्रीम जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो खैर सुबह शुरू हो गई थी, ऐसी कोई नहीं है कि ड्रीम जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम वैसे ना भैया हर जगह ही रहती है, नो मैटर वे यू गो। गोवा में गए थे हम तो इतना ट्रैफिक है गोवा में, वहाँ पे तो अगर आप 2-व्हीलर ले लेते हो ना वो बेस्ट है। 2-व्हीलर लेके पूरा गोवा घूम लो, और अगर आप गाड़ी पे जाओगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, स्पीड लिमिट, और जो नया ब्रिज बना है पंजम जाने के लिए उसके ऊपर तो उतरते टाइम तो ट्रैफिक वो वाले वो खड़े ही हैं, वो जो गन लेके खड़े थे, क्यों कौन सा इंटरसेप्टर,
वो तो खड़े ही रहते हैं। और फ्लाईओवर इतना बढ़िया, अगर आपने हमारे पीछे वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है सेम उसी तरह का बना हुआ है, जो पेंजम को कनेक्ट करता है। हाँ, जो पेंजम को कनेक्ट करता है। आपने डांबोली एयरपोर्ट जाना हो या पेंजम जाना हो ना उसके लिए कैसीनो के लिए, तो उसके अपोजिट तो वो रहे कैसीनो के लिए, तो कितना भी ट्रैफिक हो चल जाएगा। मनीष भी ने भी बहुत जोर लगा था, चलते हैं चलते हैं। मैंने कहा यार जितने पैसे वहाँ फूकने आए वो उस जगह और हम घूमते हैं ना दाएं बाएं, तो वो उनसे नाराज हो रहे थे यार इतनी दूर आए भी हम गए भी नहीं वहाँ पे। मनीष भी को बहुत शौक है, जब उधर गए थे मकाऊ गए थे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पैसे उड़ा दिए थे मकाऊ में। मैंने पूछ तब उनकी मेरे साथ इंट्रैक्शन थी नहीं। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। बढ़िया हिमाचल फ्रेश फ्रूट। तो हिमाचल जाके खाएंगे ना भाई। यहाँ पे धूल मिट्टी वाला जरूर खाना है। मैंने कहा यहाँ धूल मिट्टी वाला जरूर खाना है। ये आ गया टेम्पल ट्रेल का रास्ता और वो ऊपर पर्वत पे रोप वे जाती है। मैंने गाड़ी में से हाथ बाहर निकाल रखा है, पता नहीं डायरेक्ट एंगल बन पा रहा है या नहीं। कैमरा भी लेके आया हूँ, रात को चार्ज ही नहीं किया था। वो बेटा देख रहा था, उसने ऑन ही छोड़ दिया था, वो बैटरी बिल्कुल ही ड्रेन होगी। अब होटल जाके उसको पहले चार्जिंग पे लगाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र, अगर किसको नशा छोड़ना हो तो यहाँ पे आ सकता है। नशा मुक्ति केंद्र अभी आगे हम पहुंचेंगे चक्की मोड़ पे, जहाँ पे मैक्सिमम नुकसान हुआ था ड्यूरिंग रेनफॉल इन जून जुलाई इसी साल 2023 में जो हुई थी। खुल गया रास्ता वो अगला सारा, दोनों तरफ से खोल दिया। अच्छा, तो अभी तो हिमाचल गवर्नमेंट ना, हाँ तो बेसिकली गवर्नमेंट तो हिमाचल गवर्नमेंट ही ना है, चाहे कांग्रेस ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना दिया नहीं था एंड जो हिमाचल में नुकसान हुआ है उसके कंपैरेटिवली 22,000 करोड़ का नुकसान इन्होंने बोला था। हिमाचल की अर्निंग इज ओनली टूरिज्म एंड एप्पल। हाँ, गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे कहाँ से, इंडस्ट्रीज है नहीं जहाँ। लेकिन उसमें ये है ना, वो अडानी भी आ गया बीच में। हाँ, तो उस वजह से एप्पल का इतना नहीं हो पाया, बाकी मेनली तो इनका टोटल टूरिज्म पे ही चलता है। लो जी, पहुंच गए कसौली। पूरी कसौली है और इसके अपोजिट में आपको मिलेगा ब्रोग। ब्रोग ब्रोग डिपेंड करता है, BARO G ब्रोग। हाँ, ब्रोग है। इन हवाओं में नशा ही कुछ अलग ही नशा, वो पहाड़ों में तो वैसे ही बहुत नशा। पूरा कसौली और इसके बिल्कुल अपोजिट पड़ते हैं ये पहाड़, ये पड़ता है ब्रोग ऊपर जाके। तो ऊपर जाके कई जगह से व्यू पॉइंट ऐसे हैं कि पूरी नीचे कसौली की वैली दिखती है। ये है जी कसौली। कसौली बेसिकली कैंट एरिया है ना, पूरा छावनी है, कैंटोनमेंट। पहाड़ों में ना यार थकावट सी हो जाती है। ये हमारे जान पहचान वाले भाई हैं, बैठो भैया। क्या हाल है जी? ठीक है। बहुत बढ़िया जी, गुड। बैठो बैठो। अरे मैं तो गाड़ी में बैठा बैठा थक गया, गाड़ी में बैठा बैठा थक गया। मेरे को बैठने के लिए बोल रहे, कह रहे हैं बैठ जाओ। मैंने कहा यार इतनी देर सुबह से तो बैठे हुए हैं, जब से चले हैं 11 बजे से। इट इज़ अ मच नीडेड ब्रेक जो हमको लेना था। ये भैया की कार्ट है। ये क्या भैया, ये पत्थर?
अच्छा काला नमक, चना नमक, ओ और ये वो दूसरा सब फार्मेसी नीचे सब्जी की दुकान बिल्कुल साथ। अभी ना आपको मैं घर दिखाता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ की मार्केट है लोकल सोलन की। अभी खाना खाया, ये भैया के साथ हम आए हैं यहाँ पे, ये इनका अपना घर है यहाँ पे, इन्होंने ले रखा है ये सोलन की लोकल मार्केट। अभी यहाँ से हमने खाना खाया, खाना बहुत बढ़िया था और साथ में भैया बता रहे थे कि यहाँ के हिसाब से लोग बोलते हैं कि खाना इनका एक्सपेंसिव था, बट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, खाना टेस्ट में बहुत बढ़िया था, टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी। और पहाड़ों में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, आते जाते लोग ठोक जाते हैं, और ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दुकानें हैं यहाँ पे, हर चीज़ की दुकान है। कहाँ रह गए भैया, यहाँ पे इनका अपना घर भी है, आपको घर दिखाता हूँ जहाँ मैंने खाना खाया। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन द फूड वॉज वेरी गुड, वेरी टेस्टी, क्वांटिटी भी मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने खाना दिया है, और खाना क्वांटिटी के हिसाब से थी कि मेरा पेट भर गया पूरा, मुझसे फिर भी नहीं खाया गया। तो ये वाला जो है ये इनका घर है मेन मार्केट में, और ये इनके बिल्कुल साथ में ही है ये अम्मा रसोई। अगर आप बरोक की तरफ जा रहे हैं कुमारहट्टी से, तो जब आप लेफ़्ट लेते हैं, अगर आप कुमारहट्टी से बिल्कुल सीधे चले जाएंगे फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए, तो शिमला पहुंच जाएंगे, और फ्लाईओवर के साथ से ही एक रास्ता जाता है, मुश्किल से 50 मीटर नीचे आके लेफ़्ट को सड़क मिलती है जो बड़ोक को जाती है सोलन से होती है, ये कुमारहट्टी की मार्केट है। और ये वाला घर भैया का घर है, दे ओन दिस प्लेस। ये बिल्डिंग है पूरी, इन्हें से फर्स्ट फ्लोर इनके पास है। सबसे बड़ी मतलब बात यह भी, मैं आपको हाउस टूर भी देता हूँ, 1 BHK है लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। क्या लेना है? सूट। किसके लिए? बीवी के लिए। आप शॉपिंग करते हो? मैं कहीं कुछ भी करता हूँ। गुड। पार्टी वेयर या नहीं? नॉर्मल। मस्टिंग। शॉपिंग चल रही, शॉपिंग पार्टी वेयर की। Shopping time. Shadow. Bol do nazar. अब आपको दिखाएं घर। क्या चीज? किसकी? हाँ वो इनके पास है नहीं, मैंने पूछ लिया। अच्छा। खट्टा तला दही नहीं खाना, ये लो टैबलेट। हाँ। ये है यहाँ का ऑटोमेटिक डोर एंट्रेंस। ठंड बहुत पूरी है। अरे घर की सबसे बड़ी खासियत ना ये है कि 10 सीढ़ियाँ चढ़ो, ये आपका घर आ गया। यहाँ से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ, बिना किसी को देखे। सीधे जन्नत। सीधा ऊपर वाले के पास। मतलब यहाँ से भागते भागते आप उतरो सीधे इन स्टेयर से, तो सीधा ऊपर। तो ये है हमारा, एक लॉक कर दो रहे इसको। हो गया, कोई डर नहीं। ये है जी हमारा आशियाना, आज कल के लिए। ये लिविंग रूम आ गया, ये आपका ड्राइंग रूम, और ये एक बेडरूम। ये दरवाज़ा नॉर्मली अगर आप घर पे नहीं हो तो आपको लैच लगा के रखनी पड़ती है, और यहाँ पे बंदर बहुत है। तो ये जो रोड है, ये जो गाड़ी जा रही है, ये आपको ले जाएगी बड़ोग, और ऊपर से घूम के फिर वापस आप सोलन आ सकते हो।
कसौली होते हुए और इस तरफ के रोड वहाँ से होते हुए नॉर्मल जो अगर आपको सामने फ्लाई ओवर दिख रहा है, ये फ्लाई ओवर आपको दिख रहा होगा, ये कुमारहट्टी को बाईपास करने के लिए अगर आप दिल्ली से परवाणु होते हुए शिमला की तरफ जा रहे हैं तो उसके फ्लाई ओवर के ऊपर से निकलो तो पूरी कुमारहट्टी जो है आपकी बाईपास हो जाएगी। अब सीधे जाके कंडा घाट निकलोगे, ये है मार्केट और ये है जहाँ अभी हमने खाना खाया था, मैंने आपको दिखाया था, फूड वॉज ऑसम नो डाउट। और ये जो दरवाज़ा है दिस हैज़ टू बी क्लोज्ड क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत आ जाते हैं, हालांकि नुकसान एज सच नहीं पहुँचाते बट चीज़ें वगैरह जो हैं वो फाड़ देते हैं। तो टाइम बज रहे हैं शाम के 4 और ठंड हो रखी है बड़ी मज़ेदार। और इस ठंड से बचने के लिए जब हम चंडीगढ़ मोहाली से आए थे तो हमने आधी बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी लेकिन यहाँ पे आके मौसम बहुत ठंडा हो गया तो वी हैव टू वेयर इस तरह का गर्म कपड़े, लेकिन भी पहनने के बाद भी नहीं भैया पहनने के बाद भी ठंड महसूस हो रही है। रात में ब्लोअर लगाना पड़ेगा तो अभी का एसेस करने के लिए कुछ है नहीं तो थोड़ी देर अपन लेते हैं एक पावर नैप। इन द मीन टाइम अपना कैमरा भी चार्ज हो जाएगा, ये लेके आया था लेकिन चला नहीं तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया इसको, शाम को इसको कैमरे को ऑन करेंगे फिर निकलेंगे। अभी थोड़ी देर में चलेंगे शाम वाले काम पे, अभी शाम को हम निकलेंगे ट्रेजर हंटिंग पे, ट्रेजर तो हम लेके आए हैं बस हंटिंग पे निकलेंगे तो फिर शाम वाला काम शुरू हो जाएगा। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? टाइम है अभी रात के 9 बज रहे हैं। एक्चुअली दिन में आते हुए आपको मालूम है पहाड़ों में कितनी टायरिंग जर्नी हो जाती है तो आके थोड़ी देर के लिए सो गए, थके हुए थे तो हमें लगा चल थोड़ी देर सो जाते हैं। हालांकि ड्राइविंग सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की थी लेकिन काफ़ी टायरिंग जर्नी थी तो आके सो गए, तो उठे तो 8:30 बज चुके थे। हमने कहा इस टाइम करने के लिए कुछ है नहीं तो ऐसा करेंगे कल दिन में अपन लोग चलेंगे और दिन में जाके कसौली जाएंगे और ऊपर बड़ोग भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाहर बिल्कुल, मतलब मार्केट सारी बंद हो गई है 9 बजे, 8:30 मार्केट बंद होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ एक रेस्टोरेंट है जो हमारे घर के बिल्कुल नीचे ही है, उसका खाना काफ़ी अच्छा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर कभी आप लोग इस तरफ आए तो यहाँ से खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वान्टिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है इस टाइम, ये देखो सारी मार्केट बंद होगी, सिर्फ ये नीचे जो रेस्टोरेंट है बस यही चल रहा है और बाकी एवरीथिंग इज बंद इज क्लोज। तो अभी ऐसा करते हैं तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बढ़िया तरीके से और नई नई जगह को एक्सप्लोर करके आपके लिए वीडियो बना सकें और आपको दिखा सकें। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए क्या कहते हैं, पीस।